अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सुपरमार्केट में एक शख्स ने कर दी फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद हुए हलाक। फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। एक मुश्तबा शख्स को किया गया गिरफ्तार। फ्रांस में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों में आई शिद्दत। इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों को निशाना बनाने वाला कानून वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का किया गया ऐलान। चीनी उगैर मुसलमानों पर हिरासती मराकज में जुल्म और सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने लगाई चीन के 4 एहलकारों पर पाबंदी। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी MIM। कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव? 27 मार्च को अवामी जलसे में पार्टी सदर करेंगे ऐलान। कांग्रेस ने मरकज की मोदी सरकार और आसाम हुकूमत पर लगाए गंभीर इल्जाम। सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी ने बिजली सप्लाई को भी प्राइवेट हाथों में देने का ले लिया है फैसला। और तेलंगाना में लॉकडाउन का नहीं है फिलहाल कोई प्लान। लॉकडाउन की खबरें हैं महज अफवाह। हेल्थ मिनिस्टर एटेला राजेंद्र का बयान, आवाम को जरूरी हो तभी घर से निकलने का दिया मशवरा। अस्पतालों को संगीन सूरत हाल में अलर्ट रहने का दिया हुक्म।